2 दिसंबर को जोधपुर में शादी करने के बाद कल यानी कि 4 दिसंबर को प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने दिल्ली में ग्रैंड रिसेप्शन दिया। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी शिरकत की, जहां वे स्टेज पर प्रियंका और निक को शादी की ढेर सारी बधाइयां देते हुए नजर आए। इसके बाद प्रियंका ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को पीएम मोदी से मिलवाया। लेकिन इस दौरान एक नज़ारा देखने लायक था, जब स्टेज पर नरेंद्र मोदी और प्रियंका चोपड़ा आपस में बात कर रहे थे, तब कुछ समझ में न आने पर निक जोनास कुछ देर तक दोनों के चेहरे देखते रहे। इसके बाद अपनी पत्नी प्रियंका का साथ देते हुए उन्होंने भी हंसी दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि इस हाई प्रोफाइल वेडिंग रिसेप्शन में केवल पॉलिटिशियंस को आमंत्रित किया गया था। इनकी शादी से पहले ये खबरें आई थी कि दोनों ने मिलकर अपनी वेडिंग रिसेप्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पर्सनल इन्विटेशन दिया है। वहीं इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोधपुर में थे, लेकिन अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर वे रिसेप्शन पार्टी में शिरकत करने पहुंचे। बता दें कि रिसेप्शन में प्रियंका ने ऑफ व्हाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिस पर सिल्वर कलर की कारीगरी थी। इस लहंगे में वे बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं निक जोनास की बात करें तो वो सूट में काफी हैंडसम लग रहे थे। उन्होंने ब्लू कलर की जैकेट के साथ व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन की शर्ट पहनी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका और निक 2 रिसेप्शन देने वाले थे, जो कि एक दिल्ली में 4 दिसंबर को हो गया और दूसरा मुंबई में होगा।